बचपन, आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई वेज पुलाव, जिसके लिए हमें चाहिए चावल जो हमने पहले से ही सोख करके रखे हुए हैं, सोया चंक्स, इसको भी हमने गर्म पानी में सोख कर लिया था, मटर, ये फ्रोज़न मटर है जो हमने वॉश करके रख लिया, गाजर, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, गरम मसाला, नमक, हरा धनिया, देसी घी, तेल। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें अच्छे से हिला के भून लेना है थोड़ा सा। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरी मिर्च को भी हमें भून लेना है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी हमें भून लेना है अच्छे से चला के। और अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे, मटर, गाजर, सोयाबीन चंक्स, इनको भी हम अच्छे से हिला लेंगे और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। इन्हें हमें फ्राई करना है अच्छे से, हमें इन्हें चला चला के फ्राई करना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने अभी लो नहीं की है, हाई है। टमाटर को भी हमें फ्राई करना है। ये देखिए, मसाला हमारा, सारे वेजिटेबल्स, सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 3 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि हमारा 1.5 कप चावल था, तो इसलिए उसका डबल हमने पानी डाला है इसमें। इसको मिक्स करके ढक कर रख देंगे इसे, ताकि इसमें उबाल आ जाए। उससे पहले मैं इसमें गरम मसाला और नमक डाल दूंगी और इसे हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। ये देखिए, एक बार हम इसे बीच में चेक कर लेंगे। देखिए, थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया, इसे हल्का से हिला लेंगे। देखिए, अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए, हमारा पुलाव एकदम रेडी हो चुका है, पक चुका है ये। देखिए, चावल एकदम खिला खिला है। अब हम इसमें देसी घी 2 चम्मच और हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। बस हमें देसी घी और हरी धनिया की खुशबू को पुलाव में मिक्स करना है। इसकी स्टीम से मिक्स हो जाएगी, उसमें खुशबू अच्छे से आ जाएगी, इसलिए मैंने इसे ढका है। ये देखिए, हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। ये देखिए, एकदम खिला खिला पुलाव बना है हमारा। आप इसको दही, रायता, चटनी, अचार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, इसे ट्राई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।